दतिया में निर्माणाधीन पुल के पास नदी में गिरा ट्रक, एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत की आशंका। कई घायल मध्य प्रदेश के दतिया जिले के दूरसड़ा थाना क्षेत्र के एक निर्माणाधीन पुल के पास डीसीएम गाड़ी मिनी ट्रक पलट गया। हादसे में एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत होने की खबर है। इसके अलावा 30 से 35 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना पर दतिया कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। घटना को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी संज्ञान लिया है। वह स्थानीय अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार दूरसड़ा थाना क्षेत्र बहुदारा गांव के पास पुल में निर्माण कार्य चल रहा है। इसके चलते वाहनों को नदी पर रपटा बनाकर निकाला जा रहा था। मंगलवार रात को लोगों से भरी एक डीसीएम वहां से गुजर रही थी, इसे वह अनकंट्रोल होकर घुमारा नदी में गिर गई।